Hello everyone, my name is Meghaa Goel and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने होलिका दहन के लिए एक खास महा उपाय लेके. और होलिका दहन इस बारी एक ऐसे संयोग के साथ है जो कि हमारे जीवन में बहुत सारा लक्ष्मी लेके आने वाली है. इस बारी होलिका दहन और लक्ष्मी जयंती एक ही दिन है. लक्ष्मी जयंती जिस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था वो समुद्र मंथन के वक्त समुद्र में से प्रकट हुई थी और उस दिन लक्ष्मी जयंती मनाया जाता है. सो इस बारी होलिका दहन और लक्ष्मी जयंती एक ही दिन है तो ऐसा कैसे हो जाए कि हम लोग इस टाइम को मिस कर दे और हम कोई महा उपाय नहीं करें. तो ये महा उपाय आपके लिए खास तौर की माँ लक्ष्मी के लिए है जो कि आपके जीवन में सालों साल कृपा बना के चलेंगी. करना क्या है इस उपाय के लिए, जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करो. आपको चाहिए एक सूखा गोला, सूखा नारियल आपको चाहिए. और आपको क्या चाहिए, दो लौंग चाहिए और वो लौंग इंटैक्ट होनी चाहिए. उसके ऊपर जो लौंग के ऊपर जो कवर होता है उसकी जो टोपी होती है वो भी होनी चाहिए. आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा रोली, रोली जिसको हम बोलते हैं जिससे हम टीका लगाते हैं, रोली चाहिए. आपको चाहिए एक बताशा और आपको चाहिए कलावा. करना क्या है आपको, आपको वो नारियल लेना है. ये रिचुअल आपको होलिका वाले दिन करना है, शाम के वक्त करना है, 6 बजे करना है. और आपको क्या करना होगा, आपको नारियल लेना होगा. नारियल को आप ऊपर से काट लोगे तो जब ऊपर से काटोगे तो उसकी जो ऊपर का टॉप होता है वो छोटा सा अलग हो जाएगा. काट के आप साइड में रख लोगे. और आपने एक पान का पत्ता लेना है. मैं पान का पत्ता बताना भूल गई थी, तो आपको एक पान का पत्ता लेना है. उस पान के पत्ते पे आपको लाल रंग से, या तो आप लाल पेन यूज कर सकते हैं या आप कुमकुम को भी हल्का सा पानी में घोल के उससे भी लिख सकते हैं. आपकी इच्छा है, आपको किससे करना है, आपको क्या लिखना है. आपको लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैं फिर से मंत्र बोलती हूँ. आपको लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये मंत्र आपको इच्छा रखते हुए लिखना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हमेशा मेरे घर में विराजमान रहिए. मेरे घर को आप खुशियों से और साथ में लक्ष्मी से भरे रखें. ऐसा आपको मनोकामना करते हुए आपको भगवान विष्णु का मंत्र लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय. उसके बाद उस पान के पत्ते को आपको रोल करना है और कलावे से आपको 7 बारी लपेटना है. रोल करने के बाद और कलावे से लपेटने के बाद ये आप किसके अंदर डाल दोगे, आप उस नारियल के अंदर डाल देंगे. 2 लौंग को आप घी में डबोएंगे और उन दोनों लौंग को भी आप उस नारियल के अंदर डाल देंगे. उसके बाद आपको एक जो बताशा आपने लिया है उस बताशे को भी आप उस नारियल के अंदर डाल देंगे. और फिर उस नारियल को आप किससे भर देंगे, आप उस नारियल को चीनी से भर देंगे. पूरा ऊपर तक उस नारियल को चीनी से भर देंगे. भरने के बाद आपने जो उसकी टोपी काटी थी उस टोपी को ऊपर रख के आप अच्छे से कलावे से उस नारियल को आप बांध दोगे. बांधने के बाद आप क्या करेंगे, आपने जो रोली और हल्दी ली है आप उसका पेस्ट बनाएंगे. पेस्ट बना के गंगा जल से पेस्ट बनाएंगे या पानी से पेस्ट बनाएंगे. और उसका पेस्ट बनाने के बाद आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे. अब जब आपकी कॉलोनी में होलिका दहन होगा, होलिका जलेगी, आप होलिका दहन के पास जाएंगे, आप होलिका दहन के 11 परिक्रमा करेंगे. नारियल को हाथ में लेंगे और 11 परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करते हुए आप मंत्र बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 11th परिक्रमा जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी,
आप ये नारियल जो है अपनी इच्छा बोलते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए, कि आपकी जो भी इच्छा है आप वो बोलेंगे और जल्द बोलेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें और हमारे घर में आपका निवास सदैव ही बना रहे। ऐसी मनोकामना करते हुए आप ये जो नारियल है आप ये होलिका में डाल देंगे और हाथ जोड़ के आप अपने घर वापस आ जाएंगे। ये एक महा उपाय जो कि माँ लक्ष्मी जयंती के दिन का है। यकीन मानिए, ऐसे अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। ये उपाय अवश्य करिएगा और माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में हमेशा के लिए निवास करवाइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंगशुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। Angels love for everyone. Aatma, namastey.